नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे विद्युत शक्ति संचरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों इसका दो ऑलरेडी वीडियो प्रोवाइड हो चुका है, यदि आप उसको देखना भी चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और बात करते हैं इसमें 61 क्वेश्चन की, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। बड़े औद्योगिक संस्थानों की संचरित विद्युत ऊर्जा का मान होता है, जो बड़े औद्योगिक संस्थान होते हैं उसकी बात पूछ रहा है कि जो संचरित विद्युत ऊर्जा का मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो आपको बता देते हैं दोस्तों, उसका जो मान होता है वो 66 KV तक होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगले क्वेश्चन बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के वीडियो मैं डेली आपके लिए लाता रहता हूँ, तो इस वीडियो को मिस भी ना करें, तो इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न चित्र में नामांकित भाग ए का नाम बताइए। दोस्तों ये जो आपको दे दिया है ये कंडक्टर है और ये पोल है, और ये जो ए दिया है एरो का चिन्ह में इसका नाम पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में चलते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ये एक पिन प्रकार का इंसुलेटर है, और बी ऑप्शन दे दिया है कि सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर, और सी दे दिया है स्टेन प्रकार का इंसुलेटर, और डी ऑप्शन दे दिया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका दिया है सी स्ट्रेन प्रकार का इंसुलेटर। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। देखिए 63 क्वेश्चन दिया है कि निम्न चित्र में दर्शाई गई युक्ति का नाम बताइए। आपके सामने चित्र है और इसका आपको नाम बताना है। तो दोस्तों ये किस चीज़ का चित्र है, तो ये दोस्तों आपका जो चित्र है ये आई क्लैंप का चित्र है। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन जो दिया है आई क्लैंप, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो है इलेक्ट्रिशियन जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो ये इलेक्ट्रिशियन के लिए ही काफ़ी लाभदायक है। ठीक है, ये अदर ट्रेड का नहीं क्वेश्चन है, ये केवल इलेक्ट्रिशियन के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं 64 क्वेश्चन की। ठीक है, 64 क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में दर्शाई गई युक्ति में नामांकित भागों का नाम क्रमानुसार बताइए। तो देखिए ये जो भाग है आपके सामने है, ये चित्र आपके सामने है। ठीक है, और इसमें आपको क्रम के अनुसार नाम बताना है, अर्थात एक सिस्टमेटिक ढंग से। ठीक है, तो आपके सामने इसका आंसर भी है। देखिए दिया है क्या, सीमोंटिंग ग्रू गैल्वेनाइज स्टील पिन या शेड्स या पेंटिकोल, और इसी को आपको एक क्रम के अनुसार नहीं करके सारे को आपको दे दिया है ऑप्शन। ठीक है, और इसमें आपको सही ऑप्शन सही क्रम में चुनना है। ठीक है, तो बात करते हैं ये भाग का, आप एक बार और चित्र देख लीजिए कोई गलती तो नहीं हो रही है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपको बता देते हैं, इसमें जो आपका सही क्रम में जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ग्रू सिगमेंटिंग गैल्वेनाइज स्टील पिन सेट्स या पेटी कोट। ठीक है, तो हमारा ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, अर्थात 65 क्वेश्चन है कि निम्न चित्र में दर्शाई गई युक्ति का नाम बताइए। ये जो चित्र है आपके सामने इसका नाम पूछ रहा है कि ये किस चीज़ का चित्र है। ठीक है, ऑप्शन में चलते हैं। देखिए दिया है कि यू शेप्ड क्रॉस आर्म और भी शेप्ड आर्म दिया है, और जिंग जैंग क्रॉस आर्म दिया है, और डी ऑप्शन दे दिया है एम एस चैनल। ठीक है, तो ये आप किस चीज़ का चित्र है, तो ये जो चित्र है दोस्तों आपको बता देते हैं कि ये जो आपका चित्र है जो ऑप्शन नंबर इसका दिया है जिंग जैंग क्रॉस ऑर्म, तो ये हमारा क्रॉस ऑर्म का चिन्ह है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत परेषण का उद्देश्य रिक्त स्थान है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल रही है, NCVT अगस्त 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में दे दिया आपका परेषण सिस्टम आवश्यक रूप से कम लाइन लॉस के साथ अधिक दक्ष होना चाहिए, और बी ऑप्शन दे दिया कि परेषण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन जरूर शून्य या न्यूनतम होना चाहिए, और सी ऑप्शन दे दिया ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए और बी ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन क्या दिया आपका, दिया है कि पारेषण सिस्टम आवश्यक रूप से कम लाइन लॉस के साथ अधिक दक्ष होना चाहिए,
और बी ऑप्शन दिया है आपका पारेषण लाइन का वोल्टेज रेगुलेशन जरूर शून्य या न्यूनतम होना चाहिए, इसलिए हमारा ए व बी दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अब बात करते हैं 66 क्वेश्चन का। ठीक है, 66 क्वेश्चन दिया है आपका कि उच्च पारेषण वोल्टेज का लाभ रिक्त स्थान है। देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो NCVT अगस्त 2016 में पूछा गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन भी है। अब बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर इसका देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन नंबर दिया है ए दिया है, बी दे दिया है और सी ऑप्शन दिया है और डी ऑप्शन दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो ऑप्शन में क्या लिखा है, लिखा है कि पारेषण लाइन की पावर हस्तांतरण करने की क्षमता बढ़ती है, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और जो बी ऑप्शन दे दिया है कि पारेषण लाइन लॉस में होती है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये उच्च पारेषण वोल्टेज का लाभ ये दोनों भी है। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल और कंडक्टर का आयतन कम होता है, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो हमारा सभी ऑप्शन इसमें सही है। अब बात करते हैं 67 क्वेश्चन की। देखिए दिया है कि निम्न में रिक्त स्थान है, सिस्टम में विद्युत पावर का पारेषण होता है। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन NCVT का है, ये अगस्त में पूछा गया था 2016 में, जो एग्जाम हुआ था फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा ये 67 का क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर आपका होगा ओवरहेड सिस्टम और बी भूमिगत सिस्टम, तो ये हमारा दोनों ऑप्शन सही होगा, इसलिए जो सी ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्थात 68 क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी सामग्री का प्रयोग विद्युत पावर पारेषण और वितरण में नहीं होता है। ये आपके सामने ऑप्शन है और इसमें पूछ रहा है कि जो सामग्री है ये ऑप्शन में, इसमें से कौन सा विद्युत पावर के पारेषण वितरण में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अगस्त के माह में पूछा गया है 2016 के एग्जाम में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा ये टंगस्टन। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी अर्थात AC के लिए रिक्त स्थान है अर्थात कितने तक है। तो ये NCVT एग्जाम में भी पूछा गया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जो लगातार आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए दिया है ऑप्शन 0 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज और डी ऑप्शन दे दिया है आपका 100 हर्ट्ज, तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका जो दिया है, ये जो ऑप्शन नंबर इसका बी दिया है 50 हर्ट्ज, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 70 क्वेश्चन की। दिया है क्वेश्चन कि आवासीय उपभोक्ताओं के सिंगल फेज का वोल्टेज रिक्त स्थान होता है, तो ये कितने तक होता है, कितने वोल्ट तक होता है, तो ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन में कुछ इस तरह पर दिया है 110 वोल्ट, 210 वोल्ट और सी ऑप्शन दे दिया है 230 वोल्ट और डी दे दिया है 400 वोल्ट, तो इसमें आपका जो सही आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 210 वोल्ट। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि मुख्य तौर पर ओवरहेड लाइन के कंडक्टर रिक्त स्थान है होते हैं, तो ये जो ओवरहेड लाइट के कंडक्टर है ये किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में दे दिया है कि ठोस होते हैं, रेसेदार, सी ऑप्शन दे दिया है कि खोखला और डी दे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये ठोस होते हैं, तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको केवल 72 क्वेश्चन ही बताए गए, यदि आप इस तरह के अधिक क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे YouTube चैनल का नाम है सत्या एक्सलेंट चैनल। ठीक है, अब बात करते हैं 72 क्वेश्चन की। 72 क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर दिया है कि पारेषण लाइन के तारों में इंसुलेटर मुख्य तौर पर रिक्त स्थान के बने होते हैं। जो इंसुलेटर बने होते हैं दोस्तों वो किसके बने होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो बने होते हैं ये पोर्सिलिन के बने होते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है जो 2016 के एग्जाम में पूछे गए थे। जो दोस्तों आपको क्रम से क्वेश्चन बताए गए हैं ये काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन है जो फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।